तो इस समय पूरी दुनिया में जो राजनीति का खेल चल रहा है, इसमें हर देश और हर पक्ष अपने स्वार्थ के हिसाब से चल रहा है। अब आप देखिए, रशिया का और व्लादिमीर पुतिन का अपना स्वार्थ है, वो अपने स्वार्थ की वजह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन का अपना स्वार्थ है क्योंकि उन्हें बचना है। नेटो देशों का अपना स्वार्थ है और अमेरिका का अपना स्वार्थ है। ये सारे के सारे स्वार्थी देश हैं और स्वार्थी पक्ष हैं, लेकिन ये भारत से ये चाहते हैं कि भारत अपना स्वार्थ छोड़कर, निस्वार्थ होकर दुनिया की शांति के लिए काम करें। तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि भारत को भी सबसे पहले अपने हित देखने चाहिए। भारत को ये देखना चाहिए कि भारत का और भारत के 140 करोड़ लोगों का हित किस में है, क्या करने में हमारा देश मजबूत होता है। और यूक्रेन को देखकर हम ये बात समझ चुके हैं कि जो देश अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उस देश की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आता। लोग पैसा तो दे देते हैं, लेकिन बहादुरी कहां से लाएंगे, सैनिक कहां से लाएंगे। आज देशों की हालत यह है यूक्रेन की कि पैसा तो आ भी जाएगा लेकिन लड़ने वाले लोग नहीं है। आज वो तमाम लोग जो यूक्रेन के साथ बहुत सहानुभूति दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को कुछ करना चाहिए उसे बचाने के लिए, आज हम उन्हें ये याद दिलाना चाहेंगे कि यूक्रेन ने न तो परमाणु परीक्षण के मुद्दे पर भारत का साथ दिया था और ना ही आतंकवाद के मुद्दे पर कभी वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आज वही यूक्रेन चाहता है कि भारत इस संघर्ष में उसकी मदद करे। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि अगर भारत चाहे तो इस तनाव को कम करने में यूक्रेन की काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका भी भारत पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि उसे रशिया के हमले की निंदा करनी चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। जो बाइडेन ने बाकायदा इसके बारे में बयान भी दिया है, वो सुनिए आप। The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. That's what this is about. And I think that his ambitions are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived. And Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly, economically and strategically. We will make sure of that. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. ये सब की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस भी होता है। एक भारतीय होने के नाते थोड़ा गर्व भी होता है, अच्छा लगता है। और अच्छा क्यों लगता है कि आज इतना बड़ा युद्ध चल रहा है जो कि एक वर्ल्ड वॉर भी की शक्ल भी ले सकता है और उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर की भूमिका में आ रहा है। अब आप देखिए, अमेरिका भी कह रहा है कि हम भारत से कंसल्ट करेंगे, हम भारत से बात करेंगे और भारत को वो चाहते हैं कि भारत उसका साथ दे। व्लादिमीर पुतिन ने कल रात को ही प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और उन्हें पूरी स्थिति के बारे में सारी जानकारी दी। यूक्रेन के जो राजदूत हैं दिल्ली में भारत में, वो कह रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां आज ये सोचती हैं कि इस पूरी युद्ध में भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और यही तो हम चाहते थे, एक भारतीय को यह अच्छा लगेगा कि सारे इतने बड़े बड़े देश, सुपर पावर्स आज भारत की तरफ देख रहे हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह है कि इन देशों ने आज तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को क्या सहयोग दिया है, कश्मीर के मुद्दे पर भारत के लिए आज तक इन देशों ने क्या किया है। और जब गलवान में चीन ने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी जमीन पर हमला किया था, हमारे सैनिकों पर हमला किया था, तब भी ये तमाम देश भारत की मदद के लिए आगे नहीं आए थे। तो आज भारत इन देशों का साथ क्यों दे, अपने हितों की कुर्बानी देकर। आज हमारे देश में इस बात पर बहस हो रही है कि इस युद्ध में भारत को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए और उसे यूक्रेन के समर्थन में रशिया के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि रशिया ने आखिरकार एक स्वतंत्र देश पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है जो कि लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं है। और भारत तो हमेशा से लोकतंत्र का साथ देता है। ये बात इस आधार पर कही जा रही है कि अगर भविष्य में रशिया की तरह
चीन ने कभी भारत पर हमला कर दिया और गलवान जैसी स्थिति दोबारा से पैदा हो गई, तब भारत दूसरे देशों से किस मुंह से ये बात कहेगा कि वो चीन के खिलाफ भारत की मदद करें? आज हम ऐसे लोगों को यूक्रेन के भारत विरोधी रोल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उस समय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव को दुनिया के जिन 25 देशों ने पेश किया था उनमें यूक्रेन प्रमुख देश था। यूक्रेन ने तब संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह मांग की थी कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को बंद करवा देना चाहिए और भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगने चाहिए और भारत को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहिए। और यूक्रेन उस समय पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था, इसलिए आज जब ये बात कही जा रही है कि भारत को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए यूक्रेन पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया था। और सोचिए, यूक्रेन पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान को हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है, यानी पाकिस्तान के हथियारों की जरूरत यूक्रेन ही पूरी करता है और 30 वर्षों में पाकिस्तान यूक्रेन से 12,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद चुका है और आज पाकिस्तान के पास जो 400 टैंक हैं वो यूक्रेन द्वारा ही उसे बेचे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन इस समय फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में भी पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है, यानी भविष्य में पाकिस्तान स्पेस में जो भी अंतरिक्ष में जो भी विस्तार करेगा उसके पीछे यूक्रेन का एक बड़ा हाथ होगा। सोचिए, जो देश भारत विरोधी प्रस्ताव लाता है, पाकिस्तान का हमदर्द है, पाकिस्तान को हथियार बेचता है, क्या भारत को यह सब कुछ भूलकर इस लड़ाई में उसके साथ कूद जाना चाहिए? ये जानते हुए कि अगर भारत ने यूक्रेन का साथ दिया भी तब भी यूक्रेन पाकिस्तान के लिए ही वफादार रहेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान किसी भी वजह से उससे हथियार खरीदना बंद कर दे। लेकिन एक बात और भी है, हमें यूक्रेन के नागरिकों के साथ आज पूरी सहानुभूति है, उनके साथ जरूर नाइंसाफी हुई है और वो इस सब के लिए इसे डिजर्व नहीं करते, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन आज आपको यूक्रेन का भारत विरोधी रुख भी हमेशा याद रखना चाहिए और ये बात समझनी चाहिए कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने कभी भारत का साथ दिया ही नहीं है। लेकिन इस संघर्ष में भारत के लिए 4 सीख छिपी हुई है। आज हमारे देश के लोगों को यूक्रेन के लोगों से ये सीखना चाहिए कि देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी सिर्फ सेना की नहीं होती। कोई भी देश केवल सेना से नहीं बनता, वो सेना सरकार और नागरिकों की संगठित शक्ति से बनता है। देश अपने लोगों से बनता है, सेनाओं से नहीं बनता, हथियारों से नहीं बनता। अगर किसी देश के नागरिक ये सोचते हैं कि उनकी रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों की है तो, और सैनिक तो बने ही इसलिए हैं, तो उस देश का कोई कुछ नहीं, उस देश को कोई नहीं बचा सकता। और हमारे देश के ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि वो तो टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स दे रहे हैं और टैक्स देने के बदले उन्हें मुफ्त की सुरक्षा चाहिए ताकि वो अपने घरों में बंद रहें, आराम से अपना जीवन व्यतीत करें और सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए मरते रहें। दूसरी सीख ये कि किसी भी देश के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जो देश कमजोर होते हैं, दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, उनका हाल यूक्रेन और अफगानिस्तान जैसा होता है। इसलिए भारत के लिए सीख यह है कि आत्मनिर्भर भारत को होना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए खुद काबिल होना चाहिए। इस युद्ध से पहले तक यूरोप में यह धारणा बन चुकी थी कि 21वीं सदी युद्ध की सदी नहीं है, यह आधुनिक युग है और इसमें अब युद्ध होने लगभग नामुमकिन है, युद्ध हो ही नहीं सकता। यह धारणा इतनी गलत भी नहीं थी क्योंकि यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया। लेकिन इस संघर्ष से यह सीख मिलती है कि युद्ध कभी भी और कहीं भी शुरू हो सकता है और इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ये युद्ध हथियारों वाला युद्ध भी हो सकता है। इस समय कोई साइबर वॉर नहीं हुआ, कोई बायोलॉजिकल वॉर नहीं हुआ, युद्ध जो है पारंपरिक तरीके से हथियारों से लड़ा जा रहा है। और चौथी सीख ये कि किसी भी देश को अपने फैसले अपने विवेक से लेने चाहिए। आज अगर यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर अपने परमाणु हथियार नष्ट न किए होते तो शायद इस युद्ध में उसकी स्थिति अलग होती। जबकि एक समय भारत के सामने भी यही चुनौती थी, जब भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और अमेरिका चाहता था कि भारत अपने इन हथियारों को नष्ट कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं और यही वजह है कि आज भारत की गिनती दुनिया के मजबूत देशों में होती है और आज हम अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन की तरह किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाकर खड़े नहीं होते। और आखिर में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। इस समय भारतीय छात्रों को पोलैंड और रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से निकालने की कोशिशें चल रही हैं और यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से
भारत के छात्र रोमानिया में पहुंच चुके हैं, रोमानिया में, और अब उन्हें बसों में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट ले जाया गया है और जहां से अब इन्हें एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारत लाया जाएगा। Thank you to the Indian government and the Indian embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. इस समय यूक्रेन में जितने भी भारतीय हैं, खासतौर पर भारतीय छात्र, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि भारत के 140 करोड़ लोग तो उनके साथ हैं ही, भारत सरकार भी उनके साथ है, उन्हें घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है और वो बहुत जल्द अपने देश लौट आएंगे। भारत सरकार उनके लिए स्पेशल फ्लाइट चला रही है और इन फ्लाइट्स के लिए उन्हें कोई पैसा भी नहीं देना। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में अगर भारत का एक नागरिक भी कहीं मुसीबत में फंसा हुआ है तो भारत की सरकार दुनिया के हर उस कोने तक पहुंचे और उस नागरिक की जान बचाए, जो कि यहां पर हो भी रहा है। इन छात्रों के जो माता पिता हैं उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि पैनिक करने से अभी कुछ नहीं होगा और वो धैर्य रखें और एक एक बच्चा और एक एक छात्र सकुशल बहुत जल्दी भारत लौट आएगा। कोशिशें लगातार चल रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।